क्लास 12th एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों दिया है फंक्शन ये है 1 + x, 1 + x² 1 + x4 + 1 + x8। हमें फाइंड आउट करना है f'1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट, यानी कि इस वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसमें देखो बहुत सारे टर्म्स फैक्टर में हैं, तो इसको जब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लॉग के थ्रू करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड। तो इधर लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग एफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ब्रैकेट 1 + x, 1 + x² 1 + x^4 1 + x^8 लिख सकते हैं बच्चों। अब ध्यान दो, ये लॉग के साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो जब हम ये लॉग सबके साथ लगाएंगे तो सारे प्लस में हो जाते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टीज है। लॉग 1 + x + 1 + x² + log 1 + x^4 + log 1 + x^8। ठीक है बच्चों, इधर हो गया log f x। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है बच्चों, आपको पता ही होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका होगा 1 / f(x). log का क्या होता है, log का होता है 1 / x। x यहाँ पे क्या है, f(x) है, तो f(x). अब log को बंद करेंगे, अब क्या दिखाई दे रहा है, f(x) दिखाई दे रहा है, चेन रूल लगेगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो f'x हो जाएगा। इस साइड वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, log का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 + x, फिर इसका होगा 1/1 + x², अब 1 का 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का होगा 2x, चेन रूल, प्लस इसका होगा 1/1 + x^4, और 4x^4 का होगा 4x³, प्लस इसका होगा 1/1 + x^8 इंटू में 8x^7। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब f'x की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं f'x की, इस f(x) को इधर शिफ्ट करेंगे 1/1 + x, 2x/1 + x² ये हो गया 4x³/1 + x^4 ये हो गया 8x^7 1 + x^8। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। सो अब इसके बाद का स्टेप देखो बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद में हम करेंगे f'x जो हमारा होगा, ये हुआ। अब हमें निकालना क्या है, f'1 निकालना है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 1। f'x जो था, x के जगह पे हम 1 पुट करते हैं, तो जितने भी x है इधर 1 पुट करते हैं हम लोग, ठीक है f'1, तो जितने भी x है इन सब जगह पे हम 1 पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। तो ये हो गया f1 ब्रैकेट 1/1 + 1, 2 × 1 = 2/1 + 1, 4/1 + 1, 8/1 + 1। क्लियर है बच्चों। सो f'1 की वैल्यू हो जाएगी f1 1/2, 2/2, 4/2, 8/2, ये हो गया f1। अगर आप एलसीएम लो इसकी, 2 आएगी, 1 + 2 + 4 + 8, तो ये हो गया f1, 8 × 4 = 12, 2 × 14 = 15, × 15/2, ये हो गया f'1। अब बच्चों देखो f1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो गिवन था हमारे पास f(x) = 1 + x
1 plus x square, 1 plus x 4, 1 plus x 8. ये गिवन था हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, f1, इसमें f1 पुट करेंगे, x के जगह पे 1 पुट करेंगे, तो जितनी जगह x है उन सब पे 1 पुट करो, तो ये हो गया 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, यहाँ पे भी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 था, ये 2, 2, 2, 2, तो डैट इज इक्वल्स टू 16, ठीक है बच्चों। अब कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे 16 पुट करना है इंटू 15/2, और इसको कट करा दो, 8 जा, एफ डैश 1 की वैल्यू है, तो एफ डैश 1 कितना होगा, ये हो गया 120, ये है गया, ये हो गया हमारा आंसर।